सिंगरौली जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नगरी निकाय के चुनाव में किए जा रहे वार्ड परिसीमन को लेकर इंदौर के पार्षदों एवं कुछ अन्य लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए, जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश में किए जा रहे वार्ड परिसीमन पर स्टे लगा दिया गया है। इस बात को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए भाजपा प्रदेश के नेतृत्व को बधाई दी गई। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो राज शासन के पास में अधिकार नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में नगरी निकाय के चुनाव हेतु परिसीमन का आदेश किया था। जो आदेश राज्यपाल माननीय राज्यपाल जी के द्वारा होना था या उसका जो उनके सीमा के अंतर्गत आता था, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कलेक्टरों के माध्यम से उस परिसीमन को पालन कराया जा रहा था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आज के दिन इंदौर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में नगरी निकाय के चुनाव में जो परिसीमन किया जा रहा था, उस पर स्टे लगाने का आदेश पारित किया। हम सिंगरौली के नगर निगम के प्रत्येक नगरवासी इस परिसीमन पर स्टे लगने से सभी लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की है, और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कि स्थापित कांग्रेस सरकार के द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्होंने इस परिसीमन को किया था, जो कि इस माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश के पश्चात उनका यह परिसीमन की प्रक्रिया बाधित हो चुकी है। इसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को और अपने मध्य प्रदेश में अपनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।